कुंभ राशि, जीवन में मीठा फल मिलने वाला है, अब पूरी जिंदगी बदल कर रहेगी। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 अक्टूबर के दिन आपका कुंभ राशि फल कैसा रहेगा, विस्तार से आज की शुरू में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस दशहरा के शुभ अवसर पर आपके लिए हम एक सर्विस लेकर आए हैं, जहाँ पर आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं मात्र 499 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, आपकी पूरी कुंडली विस्तार से बताई जाएगी। दोस्तों हमसे संपर्क करने के लिए वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिखाई देगा उस नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों आपको अपने महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। बेकार बातों को सोचकर आप अपनी मानसिक शांति भंग ना करें। आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। यदि आपको कोई बड़ा कार्य सौंपा गया है तो आप अधिक समय लेकर भी उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। छोटी सी भी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। डेयरी उत्पादों से जुड़ा काम करने वाले जातकों के लिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अच्छा आर्थिक फायदा हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और जल्द ही आपकी परीक्षा आने वाली है तो आपको जमकर मेहनत करने की जरूरत है। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। घर के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। दफ्तर में आपको बहुत ही संतुलित व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आप नरमी से पेश आए। उग्र होकर बात करने से बचें, अन्यथा आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम करने वाले जातकों के लिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने की प्रबल संभावना भी बन रही है। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। आप अपने जीवन साथी को कोई कीमती तोहफा भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिला जुला रहने के असर हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। संतान की शिक्षा को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। शेयर बाजार से जुड़ा काम करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक के असर रहेगा। आपको जबरदस्त आर्थिक फायदा हो सकता है। निजी जीवन की बात करें तो घर के सदस्यों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करेगा। अपने कड़वे बोल अपनों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में जितनी आपकी जुबान मीठी होगी उतने ही आपके रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको अपने जीवन में मीठा फल मिलने वाला है ऐसा हमने क्यों कहा, विस्तार से जानते हैं। आज के दिन आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खुशखबरियां देखने को मिल सकती हैं जिससे कि आपकी एक तो तनख्वाह बढ़ सकती है या फिर आपके जीवन में जो कुछ असफल कार्य थे वो सफल में कन्वर्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं जिस जहां पर आप रहते हैं उसी जगह तो वहां पर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लव लाइफ से जुड़ा हुआ कोई किस्सा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सॉल्व इस दिन हो सकता है। तो ऐसे में आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे जो कि पल आज के दिन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपका धनराशि पल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों जीवन का यह चरण काफ़ी समृद्ध है क्योंकि आज आप धन लाभ सफलता दोनों का मजा ले रहे हैं। आपके चाचा या फिर चेले चपाटे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा बहुत दूर ही रहेगा। दोस्तों फॉर्चून से भरे इस चरण में अपने आकर्षण का फायदा उठाएं, बस चोरी से सतर्क रहें। अब आप नई तकनीकों और योजनाओं को लेकर बेहद उत्साहित हैं जिससे आपका करियर चमकने वाला है। एक छोटी सी यात्रा आपको नए व्यावसायिक संबंधों और सौदों तक लेकर जा सकती है। नई साझेदारी या फिर व्यावसायिक परियोजना की भी संभावना बन रही है।
कोई भी निर्णय सोच समझकर या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के बाद ही लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जबकि आपको अपनी समझदारी, रचनात्मकता व क्रियात्मकता का परिचय देना होगा। एक ऐसा दिन है जबकि आपको वो काम करना पड़ सकता है जो कि आप करना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसे किसी और क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए या फिर विदेश तक फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का इस समय आप पर फितूर सवार है। सभी विकल्पों पर विचार करके आगे बढ़े, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों दिलबर से दूर हैं तो चैट नेटवर्किंग से उसे अपने पास पा सकते हैं। इश्क में छिड़कानी और सितारों की छाँव में अपनी भविष्य की योजना बनाने से जीवन महकने लगेगा। घरेलू समस्याओं से ना घबराएं क्योंकि समय सब कुछ ठीक कर देता है। आज आप अपना समय अपने से छोटे लोगों और बीमारी की देखभाल में व्यतीत करेंगे। आपका रचनात्मक दृष्टिकोण और समस्या को सुलझाने के कौशल आपके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अपने प्यार को एक खास सरप्राइज ना भूलें, इससे आपका दिल खूबसूरत बनेगा। दोस्तों आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। तो ऐसे में ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और समय ना मिलने के कारण कोई महत्वपूर्ण कार्य आप हाथ से ना छोड़े। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय सबसे पहले निकालें। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों हो सकता है आज आप अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशान रहे। अगर आपका रिश्तेदार बुजुर्ग नहीं है तो नए तरह के पकवान बना के खिला सकते हैं। उन्हें आपके द्वारा परोसा खाना पसंद भी आएगा और इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। दोस्तों अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए अच्छा और फ्रेश खाना खाएगा, जिम जरूर जाएगा या फिर आप हर रोज सुबह टहलने भी जा सकते हैं। कम से कम 2 से 5 किलोमीटर तक आप टहलने जाएगा जिससे कि आपका मूड भी फ्रेश रहेगा और आप स्वस्थ और हेल्दी भी रहेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है, आप इसे सूचना हेतु लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।